इलस्ट्रेट फॉर लर्निंग हाउ टू आइडेंटिफाई द गिवन लैंग्वेजेस कॉन्टेक्स्ट फ्री और नॉट। एक और एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। लेट्स से वी हैव ए पावर एन एंड बी पावर एन स्क्वायर। तो यहाँ पे मान रहे हैं कि एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। सो यू कैन सी यू कैन टेक एनी नंबर्स लेट्स से वी आर सेलेक्टिंग एन इक्वल टू वन। सो दिस इज ए एंड बी स्क्वायर, ए पावर वन एंड बी स्क्वायर। इफ यू टेक द वैल्यू ऑफ एन इज टू, सो दिस इज ए स्क्वायर एंड बी पावर फोर। इफ यू टेक इट थ्री, सो ए क्यूब एंड बी पावर नाइन। इफ यू टेक इट फोर, देन ए पावर फोर एंड बी पावर 16 एंड सो ऑन सो फोर्थ। दीज आर द स्ट्रिंग्स विच आर विच विल बी पार्ट ऑफ द लैंग्वेज। अगर आप इसमें ध्यान से देखें कि जो ए की संख्या है और जो बी की संख्या है, इसमें ए की संख्या तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आगे बढ़ रही है, लेकिन जो बी की संख्या है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से आगे नहीं बढ़ रही है। ये टू है, देन फोर हो जा रहा है, देन नाइन हो जा रहा है, देन 16 हो रहा है। तो अगर बी की संख्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से नहीं बढ़ रही है, तो आप कहेंगे कि ये कंटेक्स्ट फ्री नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। एक और लैंग्वेज ले लेते हैं। लैंग्वेज इज ए पावर एन एंड बी रेस टू द पावर टू रेस टू द पावर एन। सो दिस इज द लैंग्वेज। एंड अगर इसमें हम स्ट्रिंग्स बनाएं, सो स्ट्रिंग्स इज थ्री, लेट्स से एन क्यूब वन है, तो दिस इज ए पावर वन एंड बी स्क्वायर एंड देन एन क्यूब। अगर आप टू लें, सो दिस इज ए स्क्वायर एंड बी रेस टू द पावर फोर। टू स्क्वायर का मतलब फोर होगा। इफ यू टेक इट थ्री, देन ए क्यूब एंड बी रेस टू द पावर एट। इफ यू टेक इट फोर, दिस इज ए पावर फोर एंड बी रेस टू द पावर 16। वंस अगेन, अगर आप बी की संख्या देखें, तो बी की संख्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से ना बढ़ के जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के हिसाब से बढ़ रही है। इसलिए ये जो लैंग्वेज है वो कंटेक्स्ट फ्री नहीं हो सकती। एंड देन लेट्स से वी हैव अनदर लैंग्वेज। दिस इज द फर्स्ट लैंग्वेज, दिस वाज सेकंड। लेट्स से वी आर टेकिंग द थर्ड वन। सो डब्ल्यू डब्ल्यू रिवर्स। तो ये अगर हम एक डब्ल्यू ले लें, लेट्स से ए बी सी, और डब्ल्यू रिवर्स लेंगे, सो दिस विल बी सी बी ए। इफ यू टेक द स्टैक, इफ ए कम्स लेट्स पुश इट, इफ बी कम्स लेट्स पुश इट, इफ सी कम्स लेट्स पुश इट, इफ अनदर सी कम्स लेट्स पॉप इट, अनदर बी कम्स लेट्स पॉप इट। ए के आया, पॉप किया हमने। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो डब्ल्यू है और डब्ल्यू रिवर्स, इसको हमने स्टैक से देखा और एंड में हमारा स्टैक एम्प्टी आ रहा है, तो हम कहेंगे कि हमारा ये जो स्ट्रिंग है वो पीडीएस एक्सेप्ट हो जा रहा है, तो लैंग्वेज भी पीडीएस एक्सेप्ट हो जाएगा। हेंस द लैंग्वेज इज कंटेक्स्ट फ्री। ये एक ऐसी चीज है जिसको हम कह सकते हैं कि दिस इज अ काइंड ऑफ द पैलिंड्रोम, इवन लेंथ पैलिंड्रोम होगा ये। और कोई भी इवन लेंथ पैलिंड्रोम है वो कंटेक्स्ट फ्री होगा। लेट्स टेक मोर एग्जांपल्स। लेट्स से वी हैव लेट्स से वी हैव डब्ल्यू डब्ल्यू। सो लेट्स से वी आर टेकिंग ए बी सी एंड देन अगेन ए बी सी। सो दिस इज डब्ल्यू एंड दिस इज डब्ल्यू। सो यू कैन सी दैट अगर हम ए बी सी को स्टैक पर पुश कर दें एंड देन उसके बाद ए बी सी के कोरिस्पॉन्डिंग एक्शन लेना चाहें, तो आपको नहीं पता कि लास्ट कैरेक्टर कौन सा होगा। केवल मैच्ड के केस में ही आप इसमें पॉप कर सकते हैं। तो यू कैन नॉट डिसाइड कि वेयर इज द बाउंड्री, वेन टू पुश, वेन टू पॉप, कोई डिसीजन आप इसमें नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए आप कहेंगे कि ये कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से वी हैव ए पावर एन, बी पावर एन एंड सी पावर एन, सम डिफरेंट सिंबल एन, वेयर एन एंड एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। सो यहाँ पे जो कंपैरिजन रिक्वायर्ड है वो ए की संख्या और बी की संख्या में रिक्वायर्ड है। एम जो सी है या जो सी है वो स्वतंत्र है, उसमें कितने भी काउंटिंग इसकी हो सकती है। इस केस में हम ऐसा कर सकते हैं कि जब ए आए तो पुश करें, जब बी आए तो हम पॉप करें, इसके बाद स्टैक एम्प्टी है, और इसके बाद जब सी आए तो हम कोई एक्शन ना लें। तो हम कहेंगे कि ए और बी की हमने काउंटिंग कर ली, नंबर ऑफ एज शुड बी एग्जैक्टली सेम एज द नंबर ऑफ द बीज, एंड आफ्टर एज एंड द बीज द स्टैक शुड बी एम्प्टी। इस तरह से कंपैरिजन पॉसिबल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज हमारी है वो कंटेक्स्ट फ्री है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो लेट्स से वी हैव
ए पावर एन, बी पावर एन, सी पावर एन एंड डी पावर एन। और यहाँ पे ये कहा गया है कि जो नंबर ऑफ सॉरी एन की जो वैल्यू है दैट हैज टू बी लेस देन 10 स्क्वायर। इट मीन्स लेट्स से 10 स्क्वायर मीन्स लेट्स से 100। सो यहाँ पे हम ऐसा कह रहे हैं कि जो एन की वैल्यू है वो एक सीमित है। तो अगर हम एन की वैल्यू 4 ले लें तो 4a, 4b, 4c एंड 4d कुछ ऐसी कंडीशन है। तो यहाँ पे जो एन की वैल्यू है वो बाउंडेड है। जब भी हम बाउंडेड की बात करेंगे तो हमारे पास जो लैंग्वेज होगी वो रेगुलर हो जाएगी, क्योंकि अब कंपैरिजंस स्टेट्स के हिसाब से होगा और स्टेट्स फिक्स हो गए कि इतने स्टेट होंगे। इसके ऊपर के जितने भी केसेस है उसमें हमने एन और एन की जो वैल्यू है वो अनलिमिटेड रखी थी, कितनी भी वैल्यू इसकी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो ये जो लैंग्वेज हमारी होगी जो इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगी वो रेगुलर हो जाएगी, और अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर है तो निश्चित रूप से ये कंटेक्स्ट फ्री है। फाइन, तो इस तरह से हमने ये प्रूव किया कि जो लैंग्वेज गिवन है वो रेगुलर भी है और कंटेक्स्ट फ्री भी है। एक और एग्जांपल लेते हैं। सो लेट्स से वी हैव ए पावर एन, बी पावर टू एन एंड सी पावर थ्री एन, वेयर एन एंड एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ए की संख्या है उसकी दुगनी संख्या बी की होनी चाहिए, उसकी तिगनी संख्या सी की होनी चाहिए। तो कंपैरिजन दो में तो पॉसिबल है लेकिन कंपैरिजन तीन एलिमेंट्स में पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए हम कह देंगे कि ये जो हमारी लैंग्वेज है जो कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है।